हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिलाषा कुक स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज दोनों बच्चे घर पर हैं और सुबह उनकी पसंद का नाश्ता बनाया है मैंने। और आज शुभम की साइकिल दिखाऊंगी मैं। शुभम को साइकिल चाहिए थी और शुभम की मनपसंद साइकिल आ गई है, तो वो बहुत खुश है। आइए देखते हैं वीडियो। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज सुबह के नाश्ते में हमने बनाया है आटे का हलवा। आटे का हलवा के लिए एक कटोरी आटे में एक कटोरी घी, जो भी साइज़ का आटा लेंगी कटोरी वाला उतनी ही कटोरी में घी भी डालेंगे और घी डाल करके आटे को भूनेंगे। इसे कढ़ा प्रसाद भी कहते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बस उसका जो नाप है, अगर आप परफेक्ट नाप के साथ बनाते हैं तो कभी भी ये हलवा ख़राब नहीं होता है, मतलब रेसिपी बिगड़ती नहीं है। घी डाल के आटे को इस तरीके से धीमी आंच में भूनते हैं और जो भी आप बर्तन में भूनें वो हैवी बॉटम का हो, जैसे कढ़ाई है भारी हो, ये पैन है तो इसकी बॉटम बहुत हैवी है, तो धीमी आंच में भूनने से सोंधापन बहुत अच्छा आता है, आटा एकदम से नहीं जलता है। और ये देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है इतना पतला सा है घी, क्योंकि बराबर मात्रा में डालते हैं तो जब आटा भूनते हैं तो आटा भूनते ही घी छोड़ने लग जाता है, तो घी घी नज़र आता है और ऐसा ही होना चाहिए, एकदम पतला चाशनी जैसा दिख रहा है घी और आटा। और इसी तरीके से उसको हिलाते जाएंगे, ऐसे बीच में हिलाते जाएं फिर छोड़ दें। धीमी आंच में आटा भूनते भूनते आटे की खुशबू आने लगती है और आटे की खुशबू बहुत ही सोंधी लगती है। ये देखिए, ऑलमोस्ट पूरा आटा अच्छे से भुन गया है, डार्क ब्राउन हो चुका है। अब इसे इसी तरीके से लगातार हिलाएं, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म रहती है, उसे ज़रा भी छोड़े नहीं। और इस कलर का जब हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं एकदम पतला सा, तो अब इसकी आँच बंद कर देंगे। आँच बंद करने के बाद ही हम चीनी डालेंगे, तो हमने एक कप चीनी डाली है, जितना आटा जितना घी उतना चीनी, और तीन हिस्सा पानी यानी तीन कटोरी पानी है। और हमने ये आँच बंद करने के बाद डाला है पानी और ये देखिए, उसको लगातार इस तरीके से मिक्स कर लिया तो कितने अच्छे तरीके से आटा एकदम चिकना, हलवे में एक भी गांठ नहीं है, कोई गुठली नहीं है। इसलिए जब भी चीनी और पानी डालें तो हमेशा आंच बंद कर दें, उसके बाद आप चीनी और पानी डालें और लगातार घोंट दें, तो ये देखिए हलवा कितना चिकना बना है, एक भी गांठ नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। इसी तरीके का हलवा बनाइएगा जब भी आपको आटे का हलवा बनाना है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और हर बाइट में घी का स्वाद आता है। और चीनी, आटा और घी तीनों एक नाप का लेना है और पानी तीन हिस्सा। और गर्मा गर्म ये हलवा प्लेट में सर्व करेंगे और ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, जैसे मैंने पतले कटे बादाम डाले हैं, आप चाहें तो काजू किशमिश भी डाल सकते हैं, जो पसंद है उसके हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और ये हलवा तो बिना ड्राई फ्रूट का भी बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें आटे और घी का जो टेस्ट है वो ही इस हलवे की जान है। और गर्मा गर्म हलवा शुभम ने खाना शुरू किया और शुभी ने, और उनका कहना है कि हलवे के साथ उन्हें पापड़ चिप्स भी खाने का मन है, तो अब तीखे चटपटे आलू के पापड़ की रेसिपी मैंने आपको पहले भी बताई है, वीडियो शेयर किया था, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये आलू के पापड़ तले हैं साथ में, पापड़ के साथ और हलवा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक्चुअली हलवा बहुत मीठा और घी वाला है और साथ में ये तीखे चटपटे आलू के पापड़, तो बस फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो बच्चों ने गरम गरम हलवा खाना शुरू किया और मैंने एक साइड में ही आलू के पापड़ तल करके उनको दिए। शुभी को आलू के पापड़ बहुत पसंद हैं, हालांकि चिप्स भी पसंद हैं पर आलू के पापड़ ज़्यादा पसंद हैं। और इन दिनों नए पापड़ हैं तो उनका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चिप्स तो पुरानी भी अच्छी लगती है, जैसे 4-6 महीने भी हो गए तब भी चिप्स और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो और भी ज़्यादा सफ़ेद और क्रिस्पी रहती है, लेकिन
आलू के पापड़ ताज़े ताज़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये वही पापड़ हैं जो हमने रेसिपी शेयर की थी और बहुत से व्यूवर्स का कहना था कि आपने तल कर नहीं दिखाए जो हमने कमरे में पापड़ बनाए थे, तो आज मैंने तल कर भी दिखाया है आप सभी को। ये देखिए, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है जबकि कमरे में बनाए थे और कमरे में सुखाए। आज का ब्रेकफास्ट बिल्कुल बांदा स्टाइल वाला है, मतलब हमारे घर में मम्मी जब आटे का हलवा बनाती हैं तो पापड़ चिप्स ज़रूर तलती हैं, क्योंकि हम लोगों को बीच बीच में चिप्स और पापड़ खाना अच्छा लगता है। हलवा इतना मीठा एक बार की नहीं खाया जाता, तो बीच बीच में पापड़ चिप्स के साथ ही खाते रहते थे हम लोग। दोनों बच्चों के साथ फिर मेरा भी नाश्ता हो रहा है। मेरा भी नाश्ता होने के बाद फिर सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह सब समेट करके और प्लेटफॉर्म साफ कर लूँगी मैं, क्योंकि झाड़ू पोछा भी करना है अभी। तो सारे बर्तन हाथों हाथ धुल जाएंगे नाश्ते के, तो फिर खाने के साथ में इकट्ठा ढेर नहीं रहता है। ये बात मैंने पहले भी बताया आपको, ऐसा लगता है नाश्ते के थोड़े से ही तो बर्तन हैं, इन्हें हाथों हाथ धो लो, उसके बाद फिर अगले काम पे शुरू होंगे। आज हम मीठी वाली दही भी जमाने वाले हैं, उसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूंगी। कुल्हड़ में जो दही बनती है मीठी वाली, मिष्ठी दोई भी कहते हैं उसको, वो बहुत ही टेस्टी लगती है गर्मी के दिनों में, ठंडी ठंडी। तो इसलिए सोच रही हूँ अभी जमा के रख दूँ, फिर फ्रिज में रखेंगे तो फिर शाम तक ठंडी हो जाएगी दही। आज दोनों बच्चों की छुट्टी है तो दोनों ही घर पर हैं, और अब इसके बाद बच्चे नहाएंगे नाश्ता करने के बाद दोनों एक एक करके, फिर सबके इकट्ठे कपड़े भी धुलने होंगे मुझे। छुट्टी की वजह से सभी लोग देर से भी सो के उठते हैं, तो आज थोड़ा लेट ही हो गया है हमारे घर में सुबह से, नहीं तो स्कूल रहता है तो सब काम जल्दी जल्दी होते हैं। नाश्ते के बाद बस थोड़े से ही बर्तन थे ये नाश्ते के, जिसमें हम तीनों ने नाश्ता किया और जिसमें हलवा बनाया है। ये सब साफ होने के बाद प्लेटफॉर्म पूरा पोंछ दिया है, गैस पोंछ दिया है, और ये तेल की कढ़ाई है जिसमें अभी मैंने पापड़ तले थे तो उसको ढक दिया है। उसके बाद अभी इसी तेल का इस्तेमाल कर लूँगी, दोपहर की सब्ज़ी इसी कढ़ाई में बना लूँगी मैं, इसलिए इसको रखे रहने दिया है। और पूरा काउंटर टॉप पोंछ करके बर्तन साइड में रख दिए हैं। शुभम तो बहुत खुश है, क्योंकि शुभम के पास जो साइकिल थी पहले वो बहुत छोटी हो गई थी, तो काफ़ी दिनों से शुभम कह रहा था उसे साइकिल चाहिए, बड़ी साइकिल। तो फाइनली अब शुभम की साइकिल आ गई है। ये हीरो नेक्स्ट की साइकिल है, मतलब इस मॉडल का नाम है हीरो नेक्स्ट, और ये 18 गियर वाली साइकिल है। बड़ी साइज़ की साइकिल ली है कि अब जो शुभम की साइकिल आई है तो थोड़े दिन तो शुभम इसको इस्तेमाल कर सके, वरना वही हो जाता है, साइकिल छोटी हो जाती है बच्चों की। शुभम बहुत खुश है, और मुझे साइकिल का कलर बहुत प्यारा लगा जब शुभम की साइकिल आई, तो मैंने शुभम ने पूछा कैसी है, तो मुझे ये ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत अच्छा लगा साइकिल, और शुभम को पसंद है तो मुझे भी अच्छी है। उसका मॉडल थोड़ा सा नए तरीके का लग रहा है, गियर वाली साइकिल है, अच्छी लग रही है। शुभम की ये हीरो नेक्स्ट साइकिल 7500 की है। आजकल बच्चों की साइकिल में भी इतने मॉडल और इतनी डिज़ाइंस आ गई हैं मार्केट में, पहले सिर्फ एक प्लेन जैसा सिंपल सबकी एक जैसी साइकिल ही चलती थी, और अब गियर वाली में भी इतने मॉडल इतनी डिज़ाइंस, तो सब बच्चों को वही देख करके लगता है हमें भी वैसी साइकिल चाहिए। अब शुभम अपने ट्यूशन भी इसी साइकिल से जाता है और शाम को साइकिलिंग करने अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है। इन दिनों गर्मी में दोनों ही बच्चे ठंडा दूध पीना पसंद करते हैं, तो मैं दोनों बच्चों का ठंडा दूध बना रही हूँ। तो मैंने दूध में गुलकंद डाल दिया है, गुलकंद से दूध का टेस्ट भी अच्छा लगता है और उसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है। तो चीनी डालने का काम नहीं है क्योंकि गुलकंद में चीनी रहती है ऑलरेडी, और दूध के साथ में बर्फ़ डाल करके उसको कोई भी मतलब शरबत जो होता है रोज़ फ्लेवर का, रूह अफ़ज़ा हो या कोई भी अदर रोज़ फ्लेवर में शरबत भी एक चम्मच डाल सकते हैं, उससे कलर सुंदर सा आता है, रेड कलर, और फ्लेवर भी आ जाता है रोज़ का,
तो रोज़ फ्लेवर ठंडा ठंडा मिल्क शेक बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो दोनों ही बच्चों को मैं गर्मी के दिनों में ऐसा ठंडा दूध ही बनाती हूँ। इस तरह बनाने से बच्चों को दूध का फ्लेवर भी चेंज हो जाता है और पीने में भी अच्छा लगता है और ठंडा ठंडा लगता है, तो जल्दी से पी लेते हैं, क्योंकि बॉर्नविटा वगैरह पीते हमेशा पीते हैं बच्चे, तो बोर लगने लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है फ्लेवर, और ऊपर से भी एक दो आइस क्यूब्स डाल दें, फिर ठंडा ठंडा ये रोज़ फ्लेवर मिल्क शेक रेडी हो जाता है। थैंक यू।